हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी की जो नई अपडेट है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी डाउट है ना, मैं सभी आप वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है। ठीक है, आप सबके लिए, हमारे साथ ज़्यादा आईटीबीपी के बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। ठीक है, ज़्यादा मेरे को इधर उधर की बात करनी आती नहीं, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, सबसे पहले आता है विज्ञापन। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, सबसे पहले विज्ञापन जारी करता है। विज्ञापन क्या होता है, बात आती है कि विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन होता है, एक शॉर्ट नोटिस जारी कर देता है कि इसमें इतनी वैकेंसी आएगी, ये सब होगा, इस तारीख से डेट, वो अब फॉरम अप्लाई स्टार्ट होंगे, वो सब विज्ञापन जारी कर देता है, मतलब शॉर्ट नोटिस जारी कर देता है। उसके लगभग एक महीने बाद, ठीक है दोस्तों, उसके एक से डेढ़ महीने बाद आपके जो फॉरम आ जाते हैं, ठीक है, विज्ञापन के एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद आपके फॉरम आ जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं रहता, लगभग देखिए विज्ञापन दिसंबर में जारी हो जाएगा जैसे चांसेस हैं, और फॉरम जनवरी में, जनवरी में फॉरम आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें फॉरम में क्या है ना, उसमें जो हमारे को लिखा हुआ है ना पेपर में, न्यूज़पेपर में 15 दिन लिखा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है, नई साइट है, सब कुछ नया बना रखा है, तो अगर 15 दिन देंगे, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो साइट एकदम से पूरी तरह हैक हो जाएगी। ठीक है, सॉरी हैंग हो जाएगी, तो बच्चा कोई भी नहीं भर पाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग एक महीना तो फॉर्म भरने को ही देंगे। ठीक है दोस्त, और फिर बात करते हैं, देखिए इन्होंने एक और बात बताई है कि 25 लाख फॉर्म का अनुमान जताया गया है। देखिए ऐसा जताया गया है अनुमान कि 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 15 दिन में थोड़ी ही भर देंगे, 15 दिन में अगर भरेंगे तो पूरा साइट हैंग हो जाएगी, तो किसी का भी नहीं भरा जाने का, क्यों भाई। ठीक है, पॉइंट ये भी क्लियर हुआ आपका। ठीक है दोस्त, अब बात करता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय भर्ती भी होगी या नहीं। इसमें देखिए इसका फुल चांसेस है, इस भर्ती के, इसके साथ आने के चांसेस है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है दोस्त, ये बात भी क्लियर। अभी बात करता हूँ मैं, क्या छूट, क्या एज में छूट मिलेगा, ये बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही भी है, क्योंकि बच्चा ओवर एज हो चुका है यूपी पुलिस के चक्कर में। देखिए जो ट्विटर कैंपेन चला था वो एज के ही लिए चला था, और उसमें क्या है ना, ये बात तो सरकार के कानों तक चली गई है कि भाई बच्चों की एज ओवर हो चुकी है। देखिए इसमें 90% चांस है कि आपको एज में छूट मिले, 10% सरकार है कुछ भी कर सकती है। ठीक है दोस्त, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एज में छूट मिलने चांस है। ठीक है दोस्त, अब बात आती है क्या UPSI साथ में आएगा। देखो भाई, क्योंकि UPSI वैसे तो चांस लग रहे हैं, और मेरी मानो तो चांस भी नहीं है, क्योंकि जैसा पिछली बार होता यूपी पुलिस अलग आया था, UPSI अलग आया था मेरे दोस्त। उसमें क्या था ना, देखिए बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल की या UPSI की तैयारी करते हैं, मैं मानता हूँ सिलेबस सेम है, लेकिन सिलेबस का थोड़ा लेवल तो अलग है SI का भाई, सिलेबस सेम है, 80% सेम है। ठीक है, लेकिन लेवल तो अलग है ना। ठीक है, मेरे को लगता है, मेरा जो खुद का अनुमान है, वो UPSI साथ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, अब बात आती है यूपी कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। पॉइंट की बात ये है, क्योंकि ये इसलिए है, आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करने में सर हमें कितना टाइम लगेगा, क्या होगा सर, वो करता है पेपर का कब तक आएगा। ठीक है, फिर हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए सबसे पहले आएगा फॉर्म, जो कि होगा जनवरी में फॉर्म आएंगे, और उसके बाद जनवरी में फॉर्म आने के बाद लगभग फरवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म, एक महीना चलेगा, फरवरी हो गया, और फरवरी के बाद उनको क्या करा जाएगा, स्कैन करा जाएगा कि हाँ भाई बच्चे का फॉर्म सही है या नहीं। तो वीडियो जो है ना हमारी कट हो गई थी किसी कारण से, सबसे जो हमारी बात कर रही थी चल रही थी, वो फॉर्म को स्कैन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, बात ये चल रही थी। अभी बात करता हूँ मैं फॉर्म, देखिए फॉर्म का, जैसे कि हमारे फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, स्कैन होता है फॉर्म, क्या सही भर रखा है या गलत भर रखा है।
स्कैन होने के बाद जो बच्चे जिस बच्चे का फॉर्म सही होता है उसको एक्सेप्ट करके देख लिया जाता है कि कितने बच्चे हमारे पास हैं और कितने दिन तक हमें ये पेपर चलाना है वो सब, ठीक है। उसके बाद ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना कोई डेट जारी कर देता है कि भाई हम इस डेट तक आपका लेंगे, ठीक है। अब मेन पॉइंट था कि यूपी कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। देखिए ये कॉन्स्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो मई जून तक ही होगा, ठीक है दोस्त। अब बात करता हूँ भर्ती प्रोसीजर कैसे चलता है। देखिए सबसे पहले आता है फॉर्म, फॉर्म के बाद होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में क्या होता है, 2.5 गुना बच्चे लगभग पास किए जाते हैं। बोला क्या, उसमें 2.5 गुना ही पास करूँगा मैं, ठीक है। और 2.5 गुना पास करने के बाद ना फिर ये फिजिकल के लिए जाते हैं, मतलब 60,000 वैकेंसी, लगभग 1.5 लाख बच्चे बुलाएगा, ठीक है दोस्त। फिर फिजिकल, फिजिकल के बाद एक और मेरिट जारी करते हैं। मेरिट जारी करने के बाद वो इनकी फाइनल लिस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ही कोई मेरिट वेरिट नहीं जारी करते। 60,000 वैकेंसी है तो बच्चे 60,000 मेडिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है दोस्त। तो फिर उसके बाद होता है मेडिकल। आपके दिमाग में डाउट चलेगा कि सर मेडिकल में अगर बच्चे छट जाए तो ये बोल देते हैं कि हमारे पास इतने ही विद्यार्थी पास हो पाए और हमें इतने विद्यार्थी नहीं मिले, सिर्फ 55,000 मिले हैं या कितने मिले हैं कि हमें इतना बच्चा नहीं मिल पाया 60,000। ये उस भर्ती को खाली, उस वैकेंसी को जो वैकेंसी होती है, जो सीट होती है, उसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं, मेन बात है सिलेबस की। देखिए इसमें सिलेबस जो है ना, सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ क्योंकि मैं भी मैथ का ही टीचर हूँ। इसमें जो है ना 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका मैथ का इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी 18 से 20 क्वेश्चन बहुत बैठते हैं मेरे दोस्त। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ना रीजनिंग का है। इसमें पिछली बार भी 55 से 57 क्वेश्चन रीजनिंग से रहे थे। रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 55 से 57 पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त। अब बात करता हूँ हिंदी की, लगभग 37 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें देखने को। और बात करता हूँ जीएस की, लगभग 38 क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे। कुल ये 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चनों का होगा। और कुल नंबर इसके जो होंगे, यानी कि कुल मार्क्स होंगे 300 होंगे, क्योंकि 150 नंबर है ना, 150 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 का ये होगा। पर्सन इसमें 150 आएंगे, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग। सबसे ज़्या डाउट है नेगेटिव, क्या सर इसमें नेगेटिव हो गया नहीं। देखिए 1/4, 1/4 या 0.25 भी आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करते हो, आपका एक क्वेश्चन जो सही है ना, उसका भी नंबर काट लिया जाएगा। और फिर बात करते हैं समय, समय लगता है इसमें दोस्त 2 घंटे, 2 घंटे समय इसमें मिलता है। और इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, सब पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्त। अगर आपको अच्छी लगी हमारी न्यूज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। और बस आप तैयारी में लग जाइए, वो दिन दूर नहीं जब आपके बदन पर खाकी भरती होगी, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।